2020 में होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की तीनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां कसरत में जुट गई है। इन पार्टियों में जहां कांग्रेस वोटरों के बीच अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2019 के आम चुनावों के करिश्मे को दिल्ली में भी दोहराना चाहती है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी के सामने है। 2015 से ही बिखराव की राह पर चल रही आपके सामने इस बार सत्ता बचा के रख पाना एक बड़ी चुनौती है। बिजली पानी के अलावा केजरीवाल इस बार कुछ ऐसे मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं जिसे दिल्ली के वोटरों पर पकड़ बनाई रखी जा सके। सीएम ने पहले सरकारी योजनाओं की कागजी कार्रवाई घर बैठे ही करने की सुविधा दी, तो साथ ही अब बुजुर्गों के लिए घर बैठे ही मुफ्त तीर्थ स्कीम शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए मेट्रो और बस में मुफ्त सफर की शुरुआत की बात भी कह रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनावों से महज कुछ महीने पहले दिल्ली के पूर्वांचली वोटरों को अपनी झोली में डालने के लिए मैथिली और भोजपुरी को एक वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाने और आईएएस की तैयारी करने वाले ऐसे छात्रों को मुफ्त कोचिंग की घोषणा भी कर डाली है जिन्होंने वैकल्पिक सब्जेक्ट के तौर पर इसे चुना हो। दिल्ली में इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की तादाद करीब 50 लाख है और ये वोटर चुनाव में किसी भी दल की किस्मत बदलने का मादा रखते हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जहां दिल्ली में पहले से ही उर्दू और पंजाबी के अध्यापकों की कमी है, तो क्या वही मैथिली को लागू करवा पाना सरकार के लिए इतना आसान होगा या फिर सिर्फ कुछ पूर्वांचली बीजेपी नेताओं की काट के लिए आपने ये चुनावी दांव चला है। हालांकि मैथिली को वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाने का सरकार का दांव कितना सियासी असर दिखाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार चुनावों में जीत और हार दिल्ली की सियासत में नए राजनीतिक आयाम जरूर लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।